मरते मरते चेला गुरु को जीना सिखा गया। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर की, जिन्होंने अपने हर एक किरदार से लोगों का खूब मनोरंजन किया और दर्शकों से लोकप्रियता हासिल की। इसलिए तो आज भले ही ये हमारे बीच ना हो, लेकिन इनकी फिल्में आज भी हम लोग देखना पसंद करते हैं। चाहे बात हो मुगल-ए-आज़म फिल्म की या फिर मेरे महबूब जैसी फिल्मों की, जिन्होंने अपने हर एक किरदार से लोगों को अपना दीवाना बना लिया। आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं कि वह कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं दिलचस्प सवालों के जवाबों को, तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड इंडस्ट्री के हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का जन्म 11 नवंबर साल 1926 को इंदौर में हुआ था। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्मबाजी से की थी। इन्होंने कई फिल्मों में सराबी का किरदार निभाया था, जिस वजह से गुरुदत्त ने इनका नाम जॉनी वॉकर कर दिया। इसके बाद जॉनी वॉकर कई फिल्मों में नजर आए, जिसमें बेगम मेरे हुजूर, टैक्सी ड्राइवर, देवदास, मधुपति और नया अंदाज जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि जॉनी वॉकर ने तकरीबन 300 से अधिक फिल्मों में अपने हास्य किरदार से दर्शकों द्वारा खूब तारीफें हासिल की, इसलिए तो आज इन्हें कोई भूल नहीं पाया। वहीं अगर बात करें इनके दमदार बेटे के बारे में, आपको बता दें इनके बेटे का नाम नासिर खान है, जो प्रोफेशनल से बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता हैं। नासिर खान ने बागवान, फोर्स और लंच बॉक्स जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। आपको बता दें कि इन्होंने तकरीबन 20 फिल्मों में अभिनय किया, अभिनय का रंग बिखेरा है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कॉमेडियन एक्टर जॉनी वॉकर के बेटे के बारे में जानकर कैसा लगा है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम किस्से और कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।